नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट का चैप्टर द एड्रेस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है और आज हम देखेंगे कि हमारी जो राइटर है उसको उसका सामान मिलता है या नहीं मिलता या लास्ट में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले दो जो पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है जो हमारी राइटर है, ये वर्ल्ड वार के समय की बात है जब यहूदियों पे अत्याचार हुए थे, उनके देशों पे हमले हुए थे और उनको खदेड़ दिया गया था। तो इसमें जो हमारी जो राइटर है उसकी जो मदर है उसको अपना जो सारा सामान था, वो काफ़ी अमीर महिला थी, वो उसे किसी को देना पड़ा। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो जो हमारी राइटर है वो अपना सामान लेने के लिए आती है, उसकी मदर नहीं रहती और वो जिस महिला को उसने सामान दिया था, मिसेज डॉर्लिंग, वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। और फिर हमने ये देखा था कि वो वापस लौट जाती है और फिर वो उन यादों में खो जाती है जो उसके जो बचपन की जो यादें थी। और लास्ट में वो ये डिसाइड करती है कि भाई मैं एक प्रयास और करूँगी चाहे कुछ भी हो। और अब की बार जो उसका जो सामना होता है वो उसी मिसेज डॉर्लिंग के घर जाती है, तो मिसेज डॉर्लिंग घर पर नहीं होती और दरवाज़ा उसकी बेटी खोलती है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आने पर उसको शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक लड़की दरवाज़ा खोलती है, 15 साल की एक लड़की दरवाज़ा खोलती है, तो हमारी राइटर उससे पूछती है कि मैंने उससे ये पूछा कि तुम्हारी मम्मी घर पर है क्या। नो शी सेड। तो जो लड़की जो है वो जिसने दरवाज़ा खोला तो वो कहती है कि नहीं है। शी सेड माई मदर इज डूइंग एन एरेंड, नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो उसकी वो कहती है उसकी माँ कोई काम से बाहर गई हुई है, एन एरेंड, और कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। आई सेड आई विल वेट फॉर हर। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। मैंने उस लड़की का गलियारे में, मतलब लड़की आगे आगे जा रही थी गैलरी में, मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैंने पैसेज में उसका किया। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का। हनुक्का होता है कि कैंडल्स, काफ़ी सारी कैंडल्स को लगाने के लिए एक स्टैंड होता है जिसको कैंडल होल्डर होता है एक, जिसे हनुक्का कहा जाता है। तो एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, वो मिरर के पास टंगा हुआ था, वो भी उसकी माँ का ही था। वी नेवर यूज इट, हमने कभी उसको यूज नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। यानी कि एक सिंगल कैंडल स्टिक को होल्ड करना या पकड़ना आसान होता है, लेकिन जिसमें बहुत सारे कैंडल्स लगाई जाएं उसको यूज़ करना काफ़ी कम्बलसम होता है, मतलब परेशानी भरा होता है। इसलिए हमने कभी उसको यूज, हमने खरीदा जरूर था वो, लेकिन हमने कभी उसको यूज़ नहीं किया था। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, आप बैठेंगे नहीं, उस लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खुले रखा। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उससे गुजरती हुई लिविंग रूम में चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं वहाँ रुकी, हॉरीफाइड। लेकिन जैसे ही हमारी जो राइटर है उसने अपना सामान देखा वहाँ पर, तो वो एक तरह से हॉरीफाइड यानी डर गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू, मैं एक ऐसे कमरे में आ गई थी जिसे मैं जानती थी। यानी जानती कैसे थी, क्योंकि उसका जो सामान जो था, उसकी मदर का जो सामान, वहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो मैं उस कमरे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस कमरे में आ गई जिस कमरे को मैं जानती भी थी और एंड डिडंट नो, और नहीं भी जानती थी। भाई नहीं इसलिए जानती थी कि वो कमरा किसका था, मिसेज डॉर्लिंग का था। जानती किस लिए थी, क्योंकि वो जो सामान था उस कमरे के अंदर वो उसकी मदर का था। तो मैं उस कमरे को जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर। लेकिन इन चीज़ों ने मुझे, जैसे ही मैंने उन सब चीज़ों को देखा, तो इन चीज़ों ने मुझे एक अजीब से वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ढकेल दिया। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, क्यों
क्यों ढकेल दिया, मैं अजीब से उसमें क्यों ढकेल दिया, क्योंकि वहाँ पे उन चीज़ों की जो सजावट जो की गई थी, देखिए सामान कितना भी कीमती हो अगर आपने उसको ढंग से सजाया नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि सजावट की घर में, देखिए आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं तो घर की जो सजावट है कम सामान होने पर भी एक बहुत सलीके से घर को सजा के रखती है, और बहुत से होते हैं जिनके पास काफ़ी सामान भी होता है लेकिन उसको बेतरतीब तरीके से वो घर को सजाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो जिस तरीके से उस महिला ने उस घर की जो सजावट थी या जिस तरीके से उसने उन सामान को अरेंज किया था, तो उससे मैं थोड़ा हॉरीफाइड हो गई, डर गई, क्योंकि मुझे वो सजावट का मेरी माँ के सामान को, क्योंकि देखिए माँ का सामान था, माँ के सजाने का तरीका अलग था, अब उस सामान को उस महिला ने अलग अजीब तरीके से सजाया था जिसे देखकर मैं थोड़ा ऑपरेश हो गई, परेशान हो गई थी बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ और द, क्योंकि वहाँ पे जो फर्नीचर जो था वो बड़ा ही अगली था, अगली मतलब भद्दा फर्नीचर था, और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और वहाँ पे एक तरह से सीलन भरी बदबू आ रही थी, आई डोंट नो, और मुझे पता नहीं वो बदबू किस चीज़ की आ रही थी, बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मैंने चारों तरफ नहीं देखा, मतलब मैंने कोशिश ये की कि मतलब मेरे में हिम्मत नहीं पड़ी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चारों तरफ उस सारे सामान को देख पाऊँ कि भाई कौन सा सामान मेरा है कौन सा नहीं है। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, उस लड़की ने एक कुर्सी सरका दी, आई सेट डाउन, मैं बैठ गई, एंड स्टेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और उस टेबल के वहाँ पे जो सामने जो टेबल रखी हुई थी उसके ऊपर एक जो वुलन यानी ओन का एक टेबल क्लॉथ जो लगा हुआ था, मैं उसको घूरने लगी, मैं उसको ध्यान से देखने लगी, आई रब्ड इट, मैंने उसके ऊपर उंगली रगड़ी, यानी कि हमारी जो राइटर्स क्या करती है कि उसको, जैसे आपने देखा होगा ना कि हमें भी जब कोई चीज़ चेक करनी होती है तो हम उसको हाथ में लेके देखते हैं या उसके ऊपर उंगली फिरा के देखते हैं, तो आई रब्ड इट, मैंने उसको रगड़ा, माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरे रगड़ने से मेरी जो उंगलियां थी वो गर्म हो गई, क्योंकि जो वूलन था वूलन को ऊपर आप अगर उंगलियां रगड़ोगे तो गर्म तो होंगी ही होंगी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और उस क्लॉथ की जो या वो जो टेबल क्लॉथ था उसकी जो लाइंस जो थी बनी हुई थी उसका जो पैटर्न जो बना हुआ था उस पैटर्न की जो लाइनें थी उसके ऊपर मैं उंगली फिराने लगी, तो मैंने उसके ऊपर उसके पैटर्न के ऊपर उंगली फिराने लगी, आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न, और क्यों, क्योंकि वो जो टेबल क्लॉथ भी जो था वो भी उसकी मदर का ही था। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, तो फिर वो जो हमारी राइटर है वो उसको पहचान गई थी भाई टेबल क्लॉथ तो उसी की मदर का है, तो उसको याद आया कि इसके ऊपर कोई एक जलने का निशान और था, यानी कि किसी कोने पे थोड़ा सा ये बर्न मार्क था, यानी कि जलने का इसके ऊपर एक निशान था, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे कभी मरम्मत नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माँ जल्दी ही आ जाएंगी, माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माँ जल्दी ही आ जाएंगी, सैड द गर्ल, उस लड़की ने कहा, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैं उनके लिए पहले ही चाय बना चुकी हूँ, विल यू हैव ए कप, क्या आप एक कप चाय लेंगी, थैंक यू, मैंने धन्यवाद कहा, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने पहले से ही चाय की टेबल के ऊपर कप रेडी कर रखे थे, शी हैड ए ब्रॉड बैग, उसकी भी जो पीठ थी उसकी भी जो बैग थी वो चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, जैसे कि उसकी माँ की थी, शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद रंग के पॉट से चाय उड़ेली, ऑल इट हैड ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, उसके ऊपर एक सोने एक सुनहरा बॉर्डर था ढक्कन उसका, जो ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, यानी कि उसकी जो लिड जो थी उसका जो ढक्कन जो था उसके ऊपर एक सुनहरे कलर का बॉर्डर था, यानी कि वो जो वाइट पॉट था वो भी उसकी मदर का ही था, आई रिमेम्बर्ड, जैसा कि मैंने मुझे याद था। शी ओपन्ड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, उसने एक बक्सा खोला, यानी कि उस लड़की ने एक बक्सा खोला, एंड टुक सम स्पून आउट, और कुछ चम्मचें वहां से बाहर निकाली, शी ओपन्ड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, कुछ चम्मच बाहर निकाली, दैट्स ए नाइस बॉक्स, अरे ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है, आई हियर्ड माई ओन वॉइस, मैंने खुद की ही आवाज सुनी,
यानी कि वो जो बॉक्स था वो भी उसकी मदर का ही था। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये बहुत ही अजीब सी आवाज थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, और जैसे यहां पे मुझे खुद की आवाज भी अजीब लगने लगी थी। एज दो, जैसे कि ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि हर आवाज यहां पे अलग हो। ओ यू नो अबाउट देम, अरे क्या आप इसके बारे में जानती हैं। शी हैड टर्न्ड राउंड, वो मुड़ी एंड ब्रॉट मी माय टी, मेरे लिए चाय लेकर आई। शी लाफ्ड, और वो हंसी। माय मदर से इट इज एंटीक, मेरी माँ कहती है कि ये दुर्लभ है। एंटीक का मतलब दुर्लभ है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो प्राचीन काल से संबंधित है उनको एंटीक कहा जाता है। मेरी माँ कहती है कि ये एक एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, तो मेरी उस लड़की ने पॉइंटेड राउंड यानी चारों तरफ उंगली की, यानी पॉइंटेड किया यानी निर्देशित किया कि देखिए हमारे पास तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि उस लड़की ने उसकी खुद की चीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये देखिए ये सब हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं। सी योर सेल्फ, आप खुद ही देख लीजिए। आई हैव नो नीड टू फॉलो हर हैंड, लेकिन मुझे तो उसके हैंड्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब चीजें किसकी हैं। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ड, मैं जानती थी कि उसका तात्पर्य किन चीजों से है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और अभी भी जो टी टेबल के ऊपर जो स्टिल लाइफ थी, लाइफ ओवर द टी टेबल, वहां मैं देख रही थी, यानी कि जो चाय जो थी उसकी तरफ मैं देख रही थी। एज ए चाइल्ड आई हैज ऑलवेज फैंसी द एप्पल ऑन द पिवट प्लेट, प्यूटर प्लेट, प्यूटर प्लेट यानी कि एक मिक्स्ड जो एक मेटल होता है जिसमें जस्ता, जिंक, टीन और कांसा जो मिला के एक धातु बनती है, उससे जो प्लेट बनाई जाती है उसे प्यूटर प्लेट कहा जाता है। प्यूटर एक मिक्स जो धातु है उसका नाम है प्यूटर। तो एक मुझे हमेशा से ही इस प्यूटर प्लेट के अंदर एप्पल खाना पसंद था। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, इस प्लेट का हम हर चीज के लिए यूज करते हैं। सी सेड, वो बोली, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो हमने जो दीवार वहां पे दीवार के ऊपर जो प्लेटें टंगी हुई हैं उनमें भी खाना खाया था। तो लड़की उसको बताती है कि वहां जो दीवार पे जो प्लेटें हैं, जो एंटीक प्लेट्स हैं, उन प्लेटों में भी हमने एक बार खाना खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। आई वॉन्टेड टू सो मच, मुझे वो बहुत पसंद थी, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन अब मुझे उसमें कुछ ऐसा कुछ स्पेशल लग नहीं रहा था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, फिर अचानक मुझे टेबल क्लॉथ के ऊपर जलने का निशान मिल गया। आई गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, उस लड़की ने एक प्रश्न भरी नजरों से मुझे देखा। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तो आप जिन चीजों को रोज छूते हो, इन सभी प्यारी चीजों को जिसके तुम आदि हो जाते हो, और यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, और जब आप उस चीज के आदि हो जाते हो तो आप मुश्किल से ही उसकी तरफ ध्यान देते हो। यानी कि हमारी जो राइटर है वो यहाँ पे ये कहना चाहती है कि जो चीज़ें हमारे संपर्क में रहती हैं हम उनके आदि हो जाते हैं, और जब हम आदि हो जाते हैं तो हम उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और यू ओनली नोटिस, आप उनको कब नोटिस करते हैं, व्हेन समथिंग इज मिसिंग, जब कोई चीज़ गायब हो, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, या तो वो ठीक कराने के लिए दी गई हो, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या तुमने उसको किसी पे उधार दे दिया हो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। तो हमारी राइटर ये कहती है कि जब तक कोई चीज़ हमारे सामने होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, हम उस पर ध्यान कब देते हैं, या तो वो कोई वहाँ से गायब हो, या वो ठीक करने के लिए दी गई हो, या फिर वो किसी को आपने उधार दे दिया हो। अगेन आई हेयर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, फिर से मुझे अपनी आवाज़, एक अननेचुरल साउंड मुझे वापस, मतलब मुझे उस वातावरण में मेरी जो आवाज़ जो थी वो बिल्कुल ही अप्राकृतिक लग रही थी, यानी कि जैसा मेरे नेचुरली जो मेरी आवाज़ थी उससे अलग मुझे प्रतीत हो रही थी। एंड आई वेंट ऑन,
और मैं कहती चली गई, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मुझे याद आया कि मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि क्या मैं वो जो चांदी के जो बर्तन थे या जो कटलरी वगैरह थी, सिल्वर जो था, उसकी मैं पॉलिश कर दूंगी। पॉलिश का मतलब उसकी थोड़ी मेंटेनेंस के वगैरह के लिए, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे चांदी के बर्तन जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, तो मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि क्या मैं उनकी पॉलिश कर दूंगी। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पुरानी बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स, शायद उस दिन मैं इस काम को करते करते बोर हो गई थी। आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि उस दिन मुझे घर रुकना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और उन्होंने कभी मुझे ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं था। आई आज हर विच सिल्वर सी मीट एंड शी रिप्लाइड, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप किस सिल्वर की बात कर रही हो, तब उसने मुझे जवाब दिया सरप्राइज आश्चर्यचकित होते हुए दैट इट वॉज द स्पून फोक्स एंड नाइव्स ऑफ कोर्स। वो ये कहते कि ये सिल्वर का मतलब है कि चांदी की चम्मच, चांदी की कांटे, चांदी की छुरियाँ, जो कटलरी हम यूज़ करते हैं उसकी बात कर रही हूँ। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये बिल्कुल ही अजीब बात थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और ये मेरे लिए बड़ी ही अजीब बात थी कि जिस कटलरी से हम रोज खाना खाते थे, तो मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो सारी की सारी जो कटलरी थी वो चांदी की थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की फिर मुझ पर हंसी, वो फिर से हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, मैं शर्त लगा सकती हूँ तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा। I looked intently at her. What we eat with? She asked. तो मैंने उसकी तरफ बड़े ही उससे देखा कि what we eat with? She asked. तो उसने कहा कि जिससे हम क्या खाते हैं? Well, do you know? She hesitated. फिर वो हिचकिचाई और उसने कहा, well, इसका मतलब ये है कि क्या आप जानती हैं? She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. वो वहाँ पर उस कटलरी को लाने के लिए वहाँ ड्रावर के पास गई और उसे उसने खोला। I will look, it is in here. मैं देखती हूँ ये यहाँ पर है। I jumped up, अचानक मैं खड़ी हो गई। I was forgetting the time, क्योंकि मैं समय को भूल चुकी थी, यानी कि बहुत समय बीत गया था और मैं उसे भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, अरे मुझे तो मेरी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर, उसका हाथ अभी भी ड्रावर के ऊपर ही था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ का इंतजार नहीं करना चाहोगी? नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना ही होगा। I walked to the door, मैं चलकर दरवाजे तक आई। The girl pulled the drawer open, उस लड़की ने ड्रावर को खींच कर खोल लिया। I can find my own way, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। As I walked down the passage, और जैसे ही मैं गलियारे से उतर कर नीचे आई, I heard the jingling of spoon and forks, तो मुझे चम्मच और कांटों की खनखनाहट की आवाज सुनाई दी। At the corner of the road, और सड़क के किनारे, I looked up at the name plate, मैंने वापस उस नेम प्लेट की ओर देखा जिस पे क्या लिखा हुआ था, मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, और मकान नंबर भी लिखा हुआ था 46, मैं मकान नंबर 46 पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, वो जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं उसे अब याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं वहाँ अब वापस नहीं जाना चाहती थी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर थे, लिंक्ड इन योर मेमोरी, वो आपकी याददाश्त से इतने लिंक होते हैं विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मल टाइम्स, आपके पुराने जमाने की जो यादें होती हैं उनसे इतने ज़्यादा लिंक्ड होते हैं, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू देन, इसलिए उनकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखिए पुरानी यादों के साथ में पुरानी चीज़ों की जो वैल्यू होती है वो भी ख़त्म हो जाती है जैसे जैसे समय बीतता जाता है। सपोज़ आप जब छोटे रहे होंगे
तो आपके पास शूज़ भी रहे होंगे, आपके पास कोई खिलौना भी होगा, आपके पास कोई बैग भी होगा, आपके पास कोई टिफ़िन, उस वक्त आपने उसकी सुरक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया होगा, लेकिन आज उन चीज़ों की वैल्यू आपके लिए बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि हमारी जो प्राथमिकताएँ होती हैं वो बदल जाती हैं। आगे देखिए, सर्च फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग। और जब आप उन्हीं चीज़ों को किसी अजनबी माहौल में देखते हो तो आपकी उसके प्रति जो आपका रवैया होता है या आपका जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। एंड वाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड हाउस, रेंटेड रूम। और दूसरी बात ये थी कि मैं उन चीज़ों का करूंगी भी क्या, क्योंकि मेरे पास अभी एक किराए का एक कमरा था। वेयर द शेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, अभी भी वहाँ पे ब्लैक आउट टाइम के जो पेपर्स थे अभी भी वहाँ पे टंगे हुए थे। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर, और एक मेरे पास एक मुट्ठी भर कटलरी थी जिसे एक छोटे से ड्रॉअर में ही डाला जा सकता था या फिट किया जा सकता था या समाया जा सकता था। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने फैसला किया कि मैं इस पते को भूल जाऊंगी, यानी कि जो एड्रेस मुझे मेरी माँ ने बताया था मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी, ऑफ ऑल द थिंग्स, और साथ ही साथ उन सब चीज़ों को भूल जाऊंगी। आई हैड टू फॉरगेट, और ये मुझे भूलना ही होगा, क्योंकि अगर मुझे अपनी पुरानी यादों को मिटाना है, या मैं नहीं चाहती कि अगर ये यादें भविष्य में मुझे परेशान करें या उन यादों को संजो कर मैं दुखी रहूं, तो मुझे इन चीज़ों से छुटकारा पाना ही होगा। That would be the easiest, और यही सबसे सरलतम तरीका है। इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो आवे तो आपको पता चल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।